आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है कुंद कुंद भारती महिला सभा। लगभग 2 वर्ष के बाद हम मिल रहे हैं, तो सबसे पहले तो परम पूज्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य शुद्ध सागर जी महाराज की जय। जैसा कि आप सभी को पता है कि थोड़ा कोविड की वजह से हम लोग मिल नहीं पाए थे, लेकिन अब ये कोशिश रहेगी कि हम हर महीने ज़रूर मिलें। हालांकि धीरे धीरे ये हमारी आज तो बहुत कम है सभी सदस्य हैं, लेकिन आगे शायद सब धीरे धीरे करके बढ़ जाएंगे। और एक समाचार और है देने के लिए कि 24 तारीख को यहाँ पे आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जी का जन्म जयंती मनाएंगे, उसमें भी आप सभी को ज़रूर ज़रूर उपस्थित होना है। सुबह 8 बजे से 24 तारीख 24 अप्रैल रविवार। मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम, ओम मंगलम गुरु दर्शन मंगलम, गुरु कृपा मंगलम, गुरु दर्शन मंगलम गुरु कृपा मंगलम, गुरु ज्ञान मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम गुरु त्याग मंगलम, गुरु दान मंगलम, गुरु त्याग मंगलम गुरु दान मंगलम, गुरु शील मंगलम गुरु तप मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम, ओम मंगलम गुरु भक्ति मंगलम, गुरु प्रीति मंगलम, गुरु भक्ति मंगलम गुरु प्रीति मंगलम, गुरु दीप मंगलम गुरु शांति मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम, ओम मंगलम गुरु भक्ति मंगल, गुरु शासन मंगलम, गुरु जीवन मंगलम, गुरु शासन मंगलम गुरु जीवन मंगलम, गुरु चेतन मंगलम गुरु चिंतन मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरुदेव मंगलम गुरुदेव मंगलम, ओम मंगलम। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य शुद्ध सागर जी महाराज की जय। ओम नमः।
ओम नमः। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम। साधु जीवन मंगलम जिन धर्म मंगलम। अरिहंत उत्तमा सिद्ध प्रभु उत्तमा। साधु जीवन उत्तमा जिन धर्म उत्तमा। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय। अरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम। साधु जीवन शरणम जिन धर्म शरणम। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान के, आदिनाथ भगवान के, शांतिनाथ भगवान के, नेमिनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के, महावीर भगवान के, चौबीसों भगवानों के, आचार्य विद्यानंद मुनिराज के, गणधराचार्य कुंसागर महाराज के, जैन धर्म के, जिनवाणी माता के, विश्व धर्म के। महानुभाव आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ये कुंद कुंद महिला सभा जो है काफ़ी टाइम से कोरोना काल में बंद हो गया था, रुक गया था, आज आप लोगों ने शुरू किया है। और इसका उद्देश्य जो है ज्ञान विज्ञान को, जैन धर्म को अपने जीवन में अपनाना है और अपने आप को अपने आत्मविशुद्धि के लिए अग्रसर करना है। अभी आप लोग पिछले जो मीटिंग करी थी, काफ़ी लोग आप लोग एकत्रित हो रहे हैं, अगले मीटिंग में और बढ़ेंगे महिलाएं जो है, उनको सबको लाभ मिले। आज हम लोग जो है इष्टोप देश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, परंतु अब पूजा पाठ जो करते हैं उसके एक श्लोक के बारे में आज चर्चा करेंगे। और वो तो जितने बार करें उतने बार कम है। हाथ जोड़िए, द्रव्यस्य शुद्धिम अधिगम्य यतानुरूपम। यतानुरूपम द्रव्यस्य शुद्धिम अधिगम्य। ये अर्थ समझने के लिए हमें इसको खंड करके अनुवाद करना पड़ता है। इसको खंडानुवाद बोलते हैं। एक होता है दंडानुवाद, जैसे श्लोक में लिखा वैसे अनुवाद करते जाना है। तो ये जो आपको बताया यथानुरूपम, बोलिए यथानुरूप का मतलब जैसे शक्ति है जितना कर सकते हैं।
एज पॉसिबल एज, ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धि जितना हो सकती है उस तरीके के द्रव्य शुद्धि हो। द्रव्य शुद्धि का मतलब स्नान करना, शुद्ध वस्त्र पहनना और जो भी शुद्धि हो सकती है, द्रव्य शुद्धि, जो बाहर के शुद्धि उसको द्रव्य शुद्धि बोलते हैं और भीतर के जो शुद्धि है वो भाव शुद्धि है। भीतर की शुद्धि क्या है? आत्मा की शुद्धि है। द्रव्य शुद्धि का अर्थ जो है ना, शरीर का स्वस्थ रहना भी द्रव्य शुद्धि है। शरीर का क्या रहना द्रव्य शुद्धि है? स्वस्थ रहना भी द्रव्य शुद्धि है। और मन का स्वस्थ रहना भाव शुद्धि है। चेतन आत्मा का स्वस्थ रहना, शुद्ध रहना भाव शुद्धि है। तो द्रव्य शुद्धि यतानुरूप, बोलिए, मान लो आप शुद्धि करके आए हैं, किसी ने चू लिया बच्चे ने, तो चूने के बाद भाव खराब हो जाता है, इसलिए यतानुरूप बताया। भाव खराब नहीं करना है। भाव शुद्धि के लिए द्रव्य शुद्धि है। काय के लिए द्रव्य शुद्धि है? भाव शुद्धि के लिए द्रव्य शुद्धि है, इसलिए यतानुरूप बताया, जबरदस्ती नहीं किया। द्रव्य से शुद्धिम अधिगम्य यतानुरूपम, बोलिए, यतानुरूपम बताया, समझ में आ रहे हैं ना? द्रव्य शुद्धि बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। आप शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, कौन सा शुद्धि है? द्रव्य शुद्धि है। कौन सा शुद्धि है? शब्द भी द्रव्य है, अर्थ भी द्रव्य है, और उसका जो भाव है वो भाव शुद्धि है। शब्द एक ही होता है, उसका अर्थ भी, अर्थ अलग अलग होता है। बड़ा भगत बन रहा है भाई, ये तो बहुत भक्त आदमी है, ये तो भगत है, वही शब्द है, आप तो बहुत भगत है भाई। अच्छा, उसी भगत को क्या बोल रहे हैं, आजकल बड़ा भगत बन रहे हो, मतलब शब्द वही है भगत, परंतु बोलने वाले का, बोलने वाले के जो भाव हैं, मतलब ऐसे नकली बन रहे हैं, कर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं उसका, अलग अलग भाव हो गए, समझ गए ना? होता नहीं है, रात का भोजन त्याग करके बैठ गया, होता नहीं है, हैं? हाँ, धीरे धीरे करके एक एक चूट चोड़ रहे हो, मतलब अन्न का तो चूट है ही, और कोई चीज ले सकते हैं, अन्न नहीं खाना है, बाकी का चूट है, फिर उसमें भी कोई चीज रख लिया, पोहा खा रहे तो अन्न में नहीं आता है। कई लोग ऐसे होते हैं, पोहा खाते हैं और बोलते हैं अन्न में नहीं आता है। हाँ, हाँ आता है, परंतु वो जो बहनेबाज होते हैं उनके लिए नहीं आता है। आलू का त्याग होता है, समोसे खा जाते हैं, आलू का त्याग है ना, डायरेक्ट आलू थोड़े ना खा रहे हैं, है? उसका पर्याय हो गए ना, बदल गया वो, उसके अंदर छुपा है ना आलू। तो ये जो है अर्थ को, उसका भाव बदल लेना, समझ ना, शब्द का अर्थ और उसका भाव बदल देना है भाव को। अच्छा, ये द्रव्य से शुद्धिम, बोलो, अधिकाम, हाथ करो, अधिकाम, अधिगंतु काम, द्रव्य शुद्धि को बोलो अधिक से अधिक, अधिगंतुम का मतलब प्राप्त करना, बोलो काम, चाहता हूं, काम का मतलब चाहता हूं। द्रव्य से शुद्धिम अधिकाम, बोलो, द्रव्य शुद्धि को अधिक से अधिक, अधिगंतु प्राप्त करना, काम चाहता हूं। द्रव्य शुद्धि को यतानुरूप और भाव शुद्धि को भाव से शुद्धिम अधिकाम, अधिक भाव शुद्धि प्राप्त करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? अधिक से अधिक।
उसके उसके लिए आगे बताते हैं। आलंबनानी बोलिए, जोर से बोलिए, आलंबन जैस आलंबन जो है सहारा, आलंबन का मतलब क्या होता है, आलंबनम भवजले पतताम जनानम, आप लोग आलंबनम बोलते ना उसमें से आलंबनम निकलेगा, क्या निकलेगा, आलंबने ने सहारा, आलंबनानी विविधानी, विविध आलंबन है। द्रव्य शुद्धि के बाद भाव शुद्धि को बढ़ाने के लिए विविध आलंबन है, आलंबनानी विविधानी अवलंब्या, उनके सहारे से, क्या हाँ किनके सहारे से, बोलो भगवान के मूर्ति, बोलो आलंबन है भगवान की मूर्ति, भगवान की वेदी परिक्रमा करते हैं ना, वेदी वेदी की परिक्रमा करते हैं, वेदी बोलो, छत्र चमर भामंडल अष्ट प्रातिहार्य अष्ट मंगल द्रव्य, भगवान मेन तो भगवान है आलंबन, बाकी भगवान जहाँ विराजमान होते वेद, वेद का मतलब ज्ञान, बोलो वेद का मतलब केवल ज्ञान, कौन से ज्ञान, वेद का मतलब केवल ज्ञान है, जो वेद है वो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान से सहित भगवान है, जहाँ विराजमान है वो वेदी है, वेद जहाँ है वो वेदी है, समझ में आ रहा है, वो भी जो है आलंबन है। और आठ द्रव्य, कितने द्रव्य, अष्ट द्रव्य बोलते हैं ना, जो चढ़ाते थाली ठोना, अजय मुनि महाराज जी पंच परमेष्टि आलंबन है, पंच परमेष्टि पीची कमंडलो, जितने भी वस्तुएं हैं ये सब क्या है, विविधानी बोलो, आलंबनानी विविधानी बोलो, अवलंब्य विविध आलंबनों के सहारे से, जैसे सीढ़ी चढ़ते थे ना पहले बगल में एक रस्सी टांग के रखते थे, लोग क्या करते थे उस रस्सी को चढ़ते थे, पकड़ के चढ़ जाते थे, अब रेलिंग लग गई, क्या लग गए, रेलिंग को पकड़ के उतरते हैं, चढ़ते हैं उतरते हैं, आलंबन है, क्या है, सूत्र उसको क्या बोलते थे, जो रस्सी टांगते थे ना उसको क्या बोलते थे, सूत्र। और मोक्ष मार्ग के लिए कौन सा सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र बोलो, भूल गए सब, ये जो कोरोना काल आया ना कोई सूत्र याद नहीं है, उत सूत्र हो गया अब, हाँ मन भी नहीं लगता है कोई भी चीज़ करने का, करेंगे ना कल से करेंगे, अब कल तो कभी आएगा नहीं, अकल में कल आके बैठ गया, बोलो अकल में, बोलो कौन आके बैठ गया, कल आके बैठ गया, अकल चलता ही नहीं, और इधर उधर खूब चल रहा है, पढ़ने लिखने स्वाध्याय ध्यान अध्ययन के लिए नहीं चलेगा, बोलो आलंबनानी, बोलो समझ में गए, आलंबन विविधानी, कितने आलंबन है, भगवान के जाप करने के लिए माला है, माला जाप करते हैं वो भी आलंबन है, अवलंबिया बोलो सहारे से, वलगम, मैंने वलगम का अर्थ बताया था आपको, लोगों को याद नहीं रहता, कई बार बताता हूँ फिर भूल जाते हैं, फिर बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ मैं, वलगम का मतलब होता है गुनगुनाना, क्या करना, हाँ वलग तोरंग गज गर्जित भीम नाद पढ़ते हो ना, वहाँ युद्ध के क्षेत्र में घोड़े हिन हिन आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घबराहट के मारे, मार काट देख करके घबरा गए घोड़े भी, हाथी भी घबराए, चिंगाड़ रहा है, भीमनाद गज गर्जित, और महावत उसको चिंगाड़ने के लिए प्रोत्साहन देता है, उसको बाण आ करके लग रहे किसको, हाथी को, तो वो चिंगाड़ता है, पर जब ये आलंबन लेकर के लोग क्या गुनगुनाते हैं, क्या करते हैं, और सास बहू जब झगड़ा होता है तो
कि सुबह तक बताते अचानक बता देते, कोई काम जो है बिन बिनाती हैं, क्या करते हैं बिन बिनाती हैं, गुनगुनाती नहीं है, सुबह तक तो बताए नहीं, आप बताया, अब बताओ कैसे करूं मैं, सास आई क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं मैं तो ऐसे बात कर रहे हूँ, हाँ कुछ नहीं कर रहे हूँ, बेटा बाप बाप कोई बात बताते तो बेटा बुदबुदाने शुरू कर देता है, क्या बोलते हैं, बोले क्या बुदबुदा रहे हैं, कुछ नहीं कुछ याद कर रहा हूँ मैं, आप अपना काम करो मैं कुछ याद कर रहा हूँ, समझ गए ना, बुदबुदाते हैं। और भगवान के आलम्बन लेने के बाद क्या करते हैं, गुनगुनाते हैं, बोलो हाँ करते हैं ना, आवाज आ रही है, हाँ बोलो, सुनाई दे रहे ना बाबू, विविधानी अवलंब्य वलगम, विविध आलम्बनों को बोलो प्राप्त करके उनके सहारे से गुनगुनाते हुए क्या करते हैं, कर्मों की निर्जना करते हुए, क्या करते हुए, हाँ आलम्बनानि विविधानि अवलम्ब वलगम, समझ में आ रही है, अर्थ हाथ जोड़िए, भूतार्थ दोबारा बोलिए, यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम, भूतार्थ भूतार्थ कौन है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बड़े से बड़े पंडित जी से पूछ के देख चुका हूं मैं, वलगम का भी पता नहीं था, एक अम्मा को पूछा वहां पर पश्चिम बिहार में, उसके बहू डॉक्टर ने कड़े होके बोल रहे मैं बोलती हूँ, बोलो बताओ वलगम का अर्थ, बता रही है म्यूकस, बलगम बलगम बता रहे हो, डॉक्टर है ना, ना यहाँ वलकल कुल कुल कुछ मत करना मामा, आपने तो और आगे की बातें बता दी वलगम वलकम नहीं, वलकल नहीं है, आपने तो अर्थ का अनर्थ कर दिए, अब उनके सहारे से वस्त्र क्या करेंगे, भगवान के सहारे से वस्त्र क्या करेंगे, वहां वस्त्र का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, वलगम का मतलब गुनगुनाना, क्या करना, उनके सहारे से पूजा पाठ वगैरह करना, उनके भगवान के सहारे से भक्ति करना, समझ में आ रहे हैं, इसलिए मैंने वो संस्कृत श्लोक का अर्थ बताया आपको, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहे तो फिर कोई भी नहीं समझा सकता है, इतने इजी कोई समझा नहीं सकता है, इतना इजी कौन समझाएगा, कई जगह में अर्थ का अनर्थ लिख रखा है, अर्थ नहीं आने के वजह से एज इट इज भी लिख दिया, वलगम जो शब्द है वही के वही भी लिख दिया, हाँ वो बलगम बता रही है, आप कपड़े बता रहे हो, अर्थ भाव तो रखना है उसके अंदर, पूरा डिक्शनरी पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत आता है, यहाँ जिनवाणी बहुत बड़ी बात है अर्थ करना, समझ रहे हैं ना, भूतार्थ सत्यार्थ क्या, समय सार में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, भूदत्तो बोलो, प्राकृत में शब्द है भूदत्तो और संस्कृत में क्या है, भूतार्थ और हिंदी में सत्यार्थ, सत्यार्थ क्या चीज है, कपड़े लत्ते शरीर मन बाहर के चीजें, ये अभूतार्थ हैं, क्या है बोलो, सत्यार्थ नहीं है असत्यार्थ है, ये समझ में आ रही है नहीं आ रही है, भूतार्थ का मतलब होता है सत्यार्थ, सत्य क्या है आपके पास, जोर से बोलो ना, मेरी स्वयं मेरे स्वयं की आत्मा बोलो, ये सब इकट्ठा क्यों कर रहे हैं सारे हैं, आलम्बन क्यों है, हाँ भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य बोलो,
हाँ, जो सत्यार्थ हैं ये वास्तव में जो यज्ञ पुरुष हैं, कौन है? स्वयं के आत्मा, भगवान के तो सहारा ले रहे हैं, आलम बने हो क्या है? हाँ, आईने के सहारा ले रहे हैं। किसके सहारा ले रहे? शीशा मिरर देखने के लिए आईने के सहारा ले रहे हैं। पूजा पाठ ये जा रहे, जो भी कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? अपने आत्मा के लिए। बोलो, भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य, बोलो, सत्यार्थ जो यज्ञ पुरुष है, करोमि यज्ञम, बोलो, यज्ञ करता हूं। क्या करता हूं? कर्मों के आहुति चढ़ाता हूं। अष्टकर्म दहना है? नहीं समझ में आया? ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं? जो भूतार्थ है, बोलो, जो सत्यार्थ है, उसका यज्ञ कर रहा हूं मैं, कर्मों के निर्जरा के लिए। किसके लिए? हाँ, आलम बने भगवान, भगवान की मूर्ति आलम बने, परमात्मा पंच परमेष्टि सहारे हैं। क्या है? इनके सहारे से, बोलो, हाँ, मैं स्वयं का यज्ञ करता हूँ। क्या करता हूँ? स्वयं का यज्ञ करता हूँ, स्वयं के कर्मों के आहुति चढ़ाता हूँ। लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर रखे, आता ही नहीं है। पहले बात तो नहीं आता है, बता रहा हूं मैं। जब मैं देखा, मैं सोच रहा था सबको ही आता होगा, शब्दों के अर्थ पता नहीं, अर्थ के भाव पता नहीं है। हाँ, वो म्यूकस बता रही है, अम्मा बता रही, वलगम का वलकल से जोड़ रही है, संस्कृत शब्द है। श्लोक है वो, अलग श्लोक है, इसी के साथ में है वो। आज ये चार लाइन समझो, फिर इसके बाद चार लाइन और आएंगे, उसका भी अर्थ करेंगे, उसका भी अर्थ किसी को पता नहीं, मैं बता रहा हूँ, समझ गए ना? ये जो अर्हत, ये सारे चीजें इसी से रिलेटेड है। वैसे वो आगे भी जो बता रहे, इसी से रिलेशन है उसका। श्लोक जो है ना, वो एक दूसरे के सारे से चलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है। आत्मा भूतार्थ है, भूतत्व अभूतत्व, भूतार्थ और अभूतार्थ दो चीजें हैं। कितने चीजें हैं? भूतार्थ जो है ना, हमेशा के लिए रहने वाले, जो बचपन में भी था, जवान में भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। ऐसे गीता में भी बताया, गीता में भी बता रखा है, यही बिल्कुल आध्यात्मिक चीजें जो है उसमें भी यही चीजें बताएं, कल भी था, आज भी है, जो जन्म लिया है वो मरेगा, जो मर गया है फिर जन्म लेगा, जातस्य मरणम ध्रुवम, जो जन्म लिया है वो पक्का मरेगा, और उसके बाद जो मर गया वो जन्म लेगा। मतलब जन्म लेगा और मरेगा, इस बीच में जो है वो आत्मा है, वो भूतार्थ है। क्या है? बाकी सब अभूतार्थ है। यज्ञ पुरुष वही है, उन्हीं को मोक्ष जाना है। क्या करना है? और आलंबन किनका ले रहे? जो मोक्ष गए हैं, किनका ले रहे? जो मोक्ष गए उनके आलंबन ले रहे, और जो मोक्ष जाने वाला है, जो भूतार्थ यज्ञ पुरुष है, जिनके यज्ञ के बाद वो भी मोक्ष से जाने वाला है। समझ में आ रहे नहीं आ रहे हैं? और उसके बाद अरहत पुराण पुरुषोत्तम पावनानी, अरहत पुराण पुरुषोत्तम पावनानी, पवित्र उनके जो चरित्र है वो भी आलंबन है, स्वाध्याय करते हैं, उसको और आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं, परंतु थोड़े थोड़े चीजें समझो। ये चार चीजें समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें पवित्र आत्मा सभी यज्ञ पुरुष हैं,
जो यज्ञ पुरुष है उनके ही यज्ञ होगी, उन्हीं का यज्ञ करता हूँ मैं, यज्ञ पुरुष है। भगवान ने तो अपना यज्ञ करके वो पवित्र हो गए, कर्मों से मुक्त हो गए हैं। भगवान कर्मों से क्या हो गए, उसमें भी अरिहंत भगवान चार घातिया कर्मों को नाश किए हैं और सिद्ध भगवान आठों कर्मों का नाश किए हैं। अभी पिछले बार मैंने बोला था पूजा पाठ के बारे में, महावीर जयंती के दिन वो बहुत लोगों को पसंद आया, बढ़िया। और रस परित्याग का भी बोला था मैंने, पूरा मेडिकल साइंस है पीछे, उसमें भी बोला है मैंने कि हम कोरोना काल में रोजाना 2.5 मिनट का एपिसोड आता रहा है और बहुत सारे सब्जेक्ट बोल दिया, इतने बोल चुका हूँ कि कभी कभी उसी को देख लो तो भी बहुत कुछ है उसमें। तो आपको बहुत आशीर्वाद है। वो बाबू मेरे को दिखा देना जिनवाणी में से जे, हाँ बोलिए, तीन, ओम नमः ओम नमः ओम नमः एक, ओम नमः ओम नमः ओम नमः दो, ओम नमः ओम नमः ओम नमः तीन, ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः पांच, बस कोमल स्पर्श बोलो, विश्व में शांति हो, तन मन चेतन में शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, आनंदमय हो, मंगलमय हो, स्वस्थ चित्त हो। चेहरे पे लगाए, आनंद का अनुभव करे, स्वस्थ चित्त का अनुभव करे। जात भगवान के, शांतिनाथ भगवान के, नेमिनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के, महावीर भगवान के, आचार्य विद्यानंद मुनिराज के, गणधराचार्य कुंसागर महाराज के, जैन धर्म के, जिनवाणी माता के, विश्व धर्म के, मैं शबनम जैन कोषाध्यक्ष कुनकुन भारती महासभा महिला समाज की तरफ से बोल रही हूँ। यहाँ पर हर महीने आचार्य श्री शिव सागर जी के सानिध्य में गोष्ठी होती है जो कि बड़ी धर्म प्रेरक होती है, और हम सभी महिलाओं से बहुत बड़ा ग्रुप यहाँ पर बन गया है, और हम सभी महिलाएं जो जो भी मेंबर हैं और जो जो भी मेंबर नहीं हैं, और उनको उत्साहित करें यहाँ पर आने के लिए। महाराज जी श्री के सानिध्य में गोष्ठी बहुत ही धर्म प्रेरक होती है, और जिससे कि हम परिवार अपने जैन परिवारों को अपने बच्चों को धर्म के संस्कार दे सकें। महाराज जी के सानिध्य में जो गोष्ठी होती है सारी साइंटिफिक रीजन से प्रेरित होती है। इस आप अधिक से अधिक संख्या में कुनकुन भारती आए। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।